पहला बार ऐसा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच समझौता हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब जो डिप्टी सीएम है उनके खिलाफ डमी कैंडिडेट देने का तय किया है। तो एक बार फिर से बृहस्पत सिंह ने दिखाए हैं तीखे तेवर और इस बार फिर लगाए हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप। गंभीर आरोप क्या लगाए हैं ये आपने भी सुना कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस सीटों के लिए साठगांठ कर लेती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह। और हम सब जानते हैं कि बृहस्पत सिंह और टीएस सिंहदेव के बीच कितनी तलखी रही है। इतनी तलखी रही है कि विधानसभा में चर्चा छोड़ करके टीएस सिंहदेव निकल गए थे और उस वक्त भी काफ़ी राजनीतिक हलचल हमने देखी थी, सियासी सरगर्मियाँ देखी थी। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है, उसमें रामानुजगंज विधायक का इस बार टिकट कट गया है, बृहस्पत सिंह का टिकट कटा है। हालांकि सबको लग ही रहा था कि टीएस सिंहदेव की नाराजगी इस बार भारी पड़ सकती है। और अंबिकापुर की अगर बात की जाए या फिर पूरे सरगुजा की बात की जाए तो चार विधायकों के टिकट इस बार कटे हैं, और हालांकि अभी तक एक सीट पर पत्ता नहीं खुला है। और देखिए, जैसे ही रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह के पास IBC 24 की टीम गई तो उन्होंने कितने गंभीर आरोप टीएस सिंहदेव के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपने सुना, लेकिन इससे आपको ये भी समझना होगा कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमें यही लग रहा था कि शायद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको याद होगा, आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी कि सबसे पहले बृहस्पत सिंह कहते हैं कि टीएस सिंहदेव उन्हें मरवाना चाहते हैं, उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। और उसके बाद टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि सरकार को मेरी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, और उसके बाद वो चर्चा छोड़कर बीच में चले जाते हैं। और उसके बाद हमें यही लगा कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि यही कहा गया था सरकार की तरफ से भी। और लेकिन अभी भी देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा है बृहस्पत सिंह को, क्योंकि कहीं पर भी अब स्क्रीन पर आप नहीं देखेंगे बृहस्पत सिंह को। उनका यहाँ से टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह अंबिकापुर के ही महापौर डॉक्टर अजय तिर्की पर इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताया है। और उसके बाद राम विचार नेताओं को लेकर के भी बृहस्पत सिंह ने यहाँ पर किस तरह से बयानबाजी की वो भी आपने देखा। वो राम विचार नेताओं को डमी कैंडिडेट कह रहे हैं। उनका कहना है कि टीएस सिंहदेव के कारण ही सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद भी कांग्रेस आलाकमान आखिर चुप क्यों है, ये भी एक बड़ी बात है। तो देखिए, तो एक साथ उन्होंने टीएस सिंहदेव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, रामविचार नेताम को भी कटघरे में खड़ा किया, बीजेपी पर भी आरोप लगाए, और इसके साथ आलाकमान पर कि वो सब कुछ जानते हैं कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस के खिलाफ हमेशा काम करते हैं, लेकिन फिर भी आलाकमान अगर चुप है तो क्यों है, ये समझ से परे है। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी को मौका मिला है, वो इसको लेकर के जमकर घेरेगी कि अभी कांग्रेस पर सब कुछ ठीक नहीं है। और इसका खामियाजा भी शायद कांग्रेस को आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तो सरगुजा संभाग की 14 में से 14 सीटें कांग्रेस के पास है। और एक मिथक के बारे में तो आपने भी सुना होगा कि सरगुजा जिसका सरकार उसकी, ये कहा जाता है। तो क्या इस बार वाकई कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, क्योंकि वहाँ से चार विधायकों का टिकट कटा है, ये तमाम कद्दावर नेता हैं, भले ही वो विनय जायसवाल हो, मनिंदगढ़ विधायक, या फिर चिंतामणि महाराज हो, या फिर बृहस्पत सिंह हो। तो बृहस्पत सिंह के साथ ही तमाम विधायकों को टीएस सिंहदेव से दूरी, नाराजगी, उनका विरोध करना भारी पड़ा है। हालांकि टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि किसी के भी टिकट काटने के पीछे उनका हाथ नहीं है, सर्वे के आधार पर जिनके जीतने के चांसेस कम थे उनका टिकट इस बार कटा है। तो क्या वाकई ये सच्चाई है, ये हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या टीएस सिंहदेव की नाराजगी भारी पड़ी है जो इन तमाम विधायकों के सरगुजा संभाग से टिकट कटे। और इसके बाद आप देखिए कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले एक मंच से टीएस सिंहदेव कहते हैं कि जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगे, राज परिवार के ऊपर लगे, मैं इसे समझौता कभी नहीं करूंगा। शायद अगर आप उनकी प्रतिक्रिया भूल गए हैं तो हम आपको वो प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, और उसके बाद बृहस्पत सिंह ने क्या कहा था वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। मेरे को जितना गरियाना है गरिया लो, चल जाएगा, लेकिन महाराज महारानी साहब को सार्वजनिक मंच में अगर कोई कुछ बोलेगा तो मेरे से समझौता नहीं हो सकता। मैं समझौता नहीं, घर में आपको कुछ भी उनके लिए भला बुरा बोलना है आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मंच में बैठ के अगर ये दो लोगों के लिए आप कुछ बोलोगे तो मेरे तरफ से समझौता नहीं हो सकता। तो
ये तलखी साफ बयां कर रही है कि टीएस सिंहदेव इतने जल्दी इन बातों को भूलने वाले नहीं थे। और जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं भूलता जब इतने ऊंचे कद का नेता हो जिसके ऊपर पूरे सरगुजा संभाग का दारोमदार हो। अगर आप किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाएंगे तो समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं थे। और इसी का असर हमें लगता है कि इस लिस्ट में भी देखने को मिला है। 4 विधायकों के टिकट कटे और बृहस्पत सिंह को तो मौका मिला ही नहीं इस बार। उनकी जगह अजय तिर्की, जो कि नजदीकी माने जाते हैं टीएस सिंहदेव की, उन पर भरोसा जताया है कांग्रेस की तरफ से। और उसके बाद बृहस्पत सिंह का बयान क्या सामने आया था वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। बृहस्पत सिंह ये कह रहे थे कि देखिए, वो महाराजा हैं, उनकी डांट उनकी समझाइश को हम प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। ये तब बृहस्पत सिंह ने कहा था और अब उनके फिर से तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। तो आप दोनों ही बयान सुनिए कि तब वो कह रहे थे कि हम प्रसाद समझकर उनकी समझाइश को ग्रहण करते हैं, और अब का भी आप बयान सुनिए कि किस तरह से अब वो एक बार फिर टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ ही हमेशा टीएस सिंहदेव काम करते हैं। तो पहले आप उनके प्रसाद को ग्रहण करने वाला बयान सुनिए और उसके बाद अब किस तरह से तीखे तेवर दिखा रहे हैं बृहस्पत सिंह वो भी सुनिए। देखिए, समर्थ को दोष नहीं, हमारे महाराजा हैं, वो हमको डांटने का अधिकार उनका है, गाली देने का अधिकार है, हमको समझाने का अधिकार है, हमको ठीक कर गड़बड़ करेंगे तो ठीक करने का अधिकार है। हमारे मुखिया हैं, वो जिस तरह से भी हमको सजेस्ट करते हैं या बोलते हैं, हम लोग उनको प्रसाद मान के ग्रहण करते हैं। सारे अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बेहतर तालमेल और नेताओं से भी बेहतर तालमेल होने का नतीजा था कि मेरे विधानसभा से एक भी उम्मीदवार हमारे विरोध में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन पार्टी हाईकमान ने 200 किलोमीटर दूर अंबिकापुर से 20 साल पहले वहाँ एक डॉक्टर थे BMO, और उसको उम्मीदवार बना के भेजा है। तो हो सकता है हमसे बेहतर परफॉर्मेंस के उम्मीद पे पार्टी ने तय किया होगा। देखिए, आप सब लोग लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, ये समझौता हुई, पहला बार ऐसा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच समझौता हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने आदरणीय TS सिंहदेव साहब, जो डिप्टी CM है, उनके खिलाफ डमी कैंडिडेट देने का तय किया है। तो जाहिर सी बात है, बृहस्पत सिंह ने एक बार फिर से सियासी पारा बेहद हाई कर दिया है, भले वो रामानुजगंज का हो या फिर वो हो पूरे सरगुजा संभाग का या फिर छत्तीसगढ़ का। और जब CM भूपेश बघेल से भी IBC24 के रिपोर्टर ने इसके बारे में सवाल किया कि बृहस्पत सिंह ने ऐसा कहा है, तो उस पर CM भूपेश बघेल ने कहा है कि मैंने वो बयान सुना ही नहीं हूँ। खैर, अभी तक उन्होंने वो बयान सुन तो जरूर लिया होगा, जाहिर सी बात है। हो सकता है कि शायद फिर से आलाकमान ने जैसे उस वक्त दखल दिया था, उसके बाद पूरा मामला शांत हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार भी आलाकमान को दखल देना पड़े। अगर नहीं दिया जाता है तो इसका डैमेज तो जरूर होगा। इस डैमेज का कंट्रोल कांग्रेस कैसे करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और आपको क्या लगता है कि अगर रामानुजगंज से इस बार जो अजय तिर्की को यहां पर मौका दिया गया है, तो क्या वाकई इस बार वो यहां पर धूल चटा पाएंगे क्या बीजेपी के प्रत्याशी को? आपको क्या लगता है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। और क्या वाकई टीएस सिंहदेव की नाराजगी भारी पड़ी है जो सरगुजा संभाग में कांग्रेस के 4 विधायकों का टिकट कटा है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और इस बार सरगुजा संभाग की कितनी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है, कितनी सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाएंगी, ये भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस तरह के वीडियोज आपको और देखने हैं, आपको इस तरह के वीडियोज पसंद आते हैं, इस तरह के सियासी समीकरण आपको समझने हैं, तो भी आप कमेंट करके हम तक अपनी राय जरूर पहुंचा सकते हैं। और IBC24 आप देखते रहिए।